तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा प्लान है लेग्यू जाने का। तो हमें पार्क आने में काफी लेट हो गया, तो अभी के टाइम में ये पूरा पार्क काफी खाली है, बस थोड़े से बच्चे हैं, बाकी हम थोड़ा वॉकिंग करते हैं। तो मस्त नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अब चलते हैं लेग्यू। I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. पहुंच चुके हैं लेग्यू और एक चीज दिखाते हैं आपको। ये देखो, मेरे पीछे आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा, आपको दिखाता हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये क्या चीज है, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। पूरे पेड़ पे है, ये कौवे नहीं है, ये चमगादड़ है, पूरे लटके हुए हैं। ये देखो आप, ये देखो, और इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखो इधर पूरे पूरे लेक में ऐसे ऊपर, तो गजब ही हो रहा है यार। ये देखना, ये जा रहे हैं नीचे ऐसे पानी पी के या फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हम नारियल पानी पीते हैं ताकि हमें बहुत अभी घूमना है तो शरीर में एनर्जी रहे। जिम करना स्टार्ट कर दिया। अरे बहुत आगे तक जाना है, यहाँ से पता है कितना चलना है, कितना दूर जाना है। चलो काफी आगे तक पैदल चल के जाना है क्योंकि घूमने के लिए इधर से ही बना दिया गया है, बहुत अच्छे से, मतलब डेकोरेट करके चारों तरफ फ्लावर्स है, हरियाली है, बिल्कुल ग्रीनरी इतनी नजर आ रही है ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से हमें 20 से 25 मिनट तक अभी पैदल चलना है तो हम अपने लोकेशन पे पहुंचेंगे। जैसे साइड से चल के जाना है, वहाँ आपको शिप दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन हमें वहीं पे जाना है। वैसे देखने में तो बहुत नजदीक सा लग रहा होगा, लेकिन आधे घंटे लग ही जाते हैं, आधे घंटे नहीं 20-25 मिनट लग जाते हैं। लेकिन बहुत ही गंदी वाली धूप है यार, इतनी तेज लग रही है, लिटरली पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूं। एक्चुअली कोई किसी और चीज से जा भी नहीं सकता, पैदल ही जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा धूप है। और वैसे हम अपने लोकेशन पे पहुंच ही आए हैं, यहाँ पे थोड़ा पेड़ दिखा, वैसे बैठने के लिए भी बहुत ही जगह है, तो रास्ते में ऐसे हम लोग रेस्ट करते हुए चलेंगे क्योंकि डायरेक्ट तो जाना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनली हमें एक बहुत अच्छा प्लेस मिला है जहाँ पे हम कुछ देर स्टे कर सकते हैं, बहुत ही ठंडा है इधर, आप पीछे देख रहे होंगे वाटरफॉल है यहाँ पे। और बस अपने डेस्टिनेशन पे हम पहुँच ही आए हैं, यहाँ से 5 मिनट और लगेगा, तो थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, बहुत ही ठंडा है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखो आप लोग, पानी एक्चुअली ऊपर से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, और मतलब आई थिंक बहुत ऊपर से आ रहा है। और ये यहाँ पे आइस गोला खा रहे हैं, हमने लिया है आइस गोला क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है यार भोपाल में, बहुत ही ज्यादा, और वैसे ये काफी टेस्टी लगता है। हम आइस गोला खाए जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, वो टाइम भी होने वाला है सिप का। तो गाइस अभी हमने जहाँ से गोला खाया वहाँ पे आपने देखा होगा जो बेच रहा था वो यूनिफॉर्म में था, यानी वो कॉलेज में पढ़ता था, तो हमने उससे काफ़ी देर बात की, उसने बताया कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ और वो पार्ट टाइम में ये सब करता हूँ। तो यार लोग जो मिडिल क्लास तक से बिलोंग करते हैं वो, मतलब एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ने के लिए मतलब पैसे नहीं है तो पार्ट टाइम कहीं जॉब करके कुछ करके पैसे कमा रहे हैं। तो यार एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यार, आप लोग भी देख के समझ जाओ, और इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess, and you tell me to confess. तो फाइनली हमने सिप का 2 टिकट ले लिया है, टिकट तो यार बहुत महंगे दे रहे हैं इस बार, पिछली बार से भी ज़्यादा पैसा लग रहा है। और इस सिप का सबसे खास बात है कि ये 45 मिनट्स तक हमें अंदर घुमाएगा और आगे जाके रुक जाएगा, और वहाँ पे पार्टियाँ होती हैं, डीजे चलता है, डांस करते हैं लोग, बहुत ही मजा आता है, मतलब चिल का तो पूछ ही मत, चिल के लिए तो बहुत फेमस है, बहुत मस्ती है, मतलब डीजे बजता है, डांस करते हैं लोग, उसमें रेस्टोरेंट है, मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा। ये ऊपर ऊपर जाने का रास्ता, इधर से ऊपर एक टेम्पल है, उससे प्यास लगी है तो एक पानी का बोतल लेते हैं। सो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं फाइनली, तो अभी कुछ देर में शिप चालू होने वाला है, तो वो रही हमारी शिप, वो जो दिख रही है ना आपको लेक प्रिंसेस, वो रही हमारी शिप बड़ी वाली। आपको
इसको दिखाता हूँ सिप में, ये देखो इससे ऐसे नीचे जा सकते बिल्कुल आगे तक है। तो हमारी सिप स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हम चल रहे हैं लेक के अंदर। तो हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के अंदर और यहाँ पे देखते हैं क्या परचेज करने लगे। वैसे हम फ्रूटी पियेंगे यहाँ पे या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। तो हम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और यहाँ से हमने छोटा वाला एक थम्स अप लिया है और एक चिप्स लिया है। तो हमने थम्स अप एंड चिप्स खाया, यानी हमने थम्स अप पिया और चिप्स खाया और अब चलते हैं बाहर। डीजे बज रहा है और बहुत चिल हो रहा है, तो चलते हैं एंजॉय करते हैं। एंजॉय देख रहे हो, बहुत ही बीच में आ चुके हैं, बहुत ही दूर आ चुके हैं। अभी अभी घर आ चुके हैं और अभी मौसी को थोड़ा वॉमिटिंग हो रहा है तो उनको ले जाना है हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो हॉस्पिटल चलते हैं फिर आते हैं। हॉस्पिटल आ चुके हैं और गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी। तो हमारे पास 27 मिनट है अभी